एक बार फिर संजय निषाद के ने डिप्टी सीएम का राग अलापा है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी से मांग की है, बीजेपी मुझे डिप्टी सीएम का चेहरा बनाए। संजय निषाद का कहना है, अगर वो नहीं बनाएगी तो गच्चा खा जाएगी। बंगाल चुनाव में बीजेपी गच्चा खा गई थी और अब मुझे अगर डिप्टी सीएम नहीं बनाती है तो गच्चा खा जाएगी। तो कुल मिलाकर निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद का ये बड़ा बयान, सीधे तौर पर क्या मांगते हैं सुनिए आप। समाज के लोगों की मांग है भाई, कम संख्या झगुआ पगुआ वर लोग अगर मुख्यमंत्री है तो हमारे को तो मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, हमारा चेहरा लगा ले तो जल्दी से आसानी से कम वोट वाले चेहरा दे रहे हैं, ज्यादा वोट वाले को दे देंगे तो जल्दी से जीत जाएंगे। हम मित्र हैं ना, मित्र तो सुख दुख में साथ आता है, इसमें दुख है चौथे नंबर पर है, जल्दी से जीत जाएंगे। अगर निश्चित रूप अगर उन्हें लगता है डॉक्टर साहब को लेने से निषाद पार्टी साथ रखने से फायदा है तो हमें साथ रखेंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे, लगेगा भाजपा को आरक्षण देने से फायदा तो करेंगे, लगता नुकसान है तो गच्चा न खा जाए जैसे अभी बंगाल में खाए। तो सुना आपने कैसे निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने खुद को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग की है। चलिए अब आपको 1 जुलाई का संजय निषाद का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें वो खुद को डिप्टी सीएम घोषित करने की बीजेपी को सलाह देते दिख रहे हैं। देखिए किस तरह से निषाद की सलाह अब मांग में तब्दील दिख रही है। कम संख्या वाले का चेहरा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का लगा के अगर सरकार बनाते हैं तो 18% वोट निषादों का है, ऑन रिकॉर्ड 1931 की जनगणना आपके नेट में, तो इतना मछुआ केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ धीमर रखवार में बटा खा डॉक्टर साहब आप जोड़ लिए हो तो आपको एक सलाह दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि 2022 का डॉक्टर संजय का चेहरा जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं उनका चेहरा अगर उप मुख्यमंत्री का लगा दिया जाए तो बहुत आसानी से चुनाव जी अगर भारतीय जनता पार्टी को फायदा नजर आएगा तो घोषित करेंगे चेहरा। अरे समाज के लोगों की मांग है भाई, कम संख्या झगुआ पगुआ वर लोग अगर मुख्यमंत्री है तो हमारे को तो मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, हमारा चेहरा लगा ले तो जल्दी से आसानी से कम वोट वाले चेहरा दे रहे हैं, ज़्यादा वोट वाले को दे देंगे तो जल्दी से जीत जाएंगे। हम मित्र हैं ना, मित्र तो सुख दुख में साथ आता है, इसमें दुख है चौथे नंबर पर है, जल्दी से जीत जाएंगे। अगर निश्चित रूप अगर उन्हें लगता है डॉक्टर साहब को लेने से निषाद पार्टी साथ रखने से फायदा है तो हमें साथ रखेंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे, लगेगा भाजपा को आरक्षण देने से तो करेंगे, लगता नुकसान है तो गच्चा न खा जाए जैसे अभी बंगाल। 160 सीट की मांग, डिप्टी सीएम बनाने की सलाह और अब ये सलाह मांग में तब्दील हो गई है। और देखिए चुनाव नजदीक आते आते क्या कुछ रंग सियासत बदलती है।